स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम शुरू करने वाले हमारा वृत्तखंड सेगमेंट ऑफ सर्कल। इसके पहले मैंने इस पार्ट का, जो पार्ट हमारा महत्वमापन चल रहा है, इसके पहले मैंने तीन वीडियो डाले हुए, प्रश्न संग्रह नंबर 7.1, 7.2, 7.3। अब ये जो वृत्तखंड होता क्या है, ठीक है, तो इस वीडियो में वृत्तखंड के बारे में बताऊंगा और वृत्तखंड का क्षेत्रफल किस तरह निकाला जाता है वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए, क्या होता है वृत्तखंड। तो मैंने यहाँ पर एक वृत्त बना के रखा हुआ है, ठीक है। इस वृत्त में दिख रहा हुआ है जो मैंने काला कलर का रंग भरा है, ये क्या है, आपका वृत्तखंड है। तो वृत्तखंड का बनता कैसे, तो वृत्तखंड बनता है, ए बी क्या है बच्चों, जीवा है। ए बी क्या है, जीवा। अगर मैं बात करूं ए बी की, तो बच्चों ये है जीवा। तो जीवा और उसके संगत चाप द्वारा, जीवा और ये यहां से लेकर, अगर ये ए बी की बात करूं मैं, तो ये क्या है बच्चों, चाप है, ठीक है ना। ये चाप ए बी है और ये जीवा ए बी है, मतलब जीवा और उसके संगत चाप द्वारा बने हुए भाग को या सीमित किए हुए भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, वृत्तखंड कहेंगे। तो यहां पर दो प्रकार के वृत्तखंड तैयार होते हैं यहां पर। अब जो नीचे वाला आपको छोटा दिख रहा है, ये हो जाएगा आपका लघु लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये जो बड़ा वाला हिस्सा दिख रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्त खंड, बराबर, सही है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया कि लघु वृत्तखंड क्या होता है और दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है। अब हम लोग एक पढ़ लेते हैं अर्धवृत्तखंड। अर्धवृत्तखंड मतलब अगर हम लोग व्यास मतलब वह लाइन जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, तो ठीक है, तो वृत्त को क्या करेगा, दो समान भाग में विभाजित कर देगा, ऊपर एक आधा वृत्त हो जाएगा नीचे, तो इसको क्या कहा जाएगा, अर्धवृत्त कहा जाएगा। अब अगर मुझे अर्धवृत्त खंड का क्षेत्रफल चाहिए, अगर अर्धवृत्त खंड किसको बोलूंगा मैं, तो व्यास किसके द्वारा, व्यास और उसके संगत चाप द्वारा निर्मित किए गए, व्यास और उसके संगत चाप द्वारा सीमित किए हुए भाग को क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त खंड बोलेंगे, ठीक है। अगर आपको डायग्राम समझाए, तो यहां पर देखिए मैंने लिखा हुआ है वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा तथा संगत वृत्त चाप द्वारा सीमित किए हुए भाग को वृत्तखंड कहते हैं। जीवा और संगत वृत्त चाप द्वारा सीमित किए हुए भाग को क्या बोलेंगे लोग, वृत्तखंड कहेंगे। तो वृत्तखंड मैंने बोला तीन प्रकार के, मैंने बता दिए लघु दीर्घ और अर्धवृत्तखंड। अब बच्चों लघु वृत्तखंड किसे कहते हैं, ठीक है, लघु वृत्तखंड। तो इसके लिए क्या आ जाएगा बच्चों, लघु वृत्तखंड किसे कहेंगे, तो आप क्या बोलोगे, वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा तथा लघु चाप द्वारा, कौन से चाप द्वारा, लघु चाप द्वारा, लघु चाप द्वारा सीमित किए गए भाग को क्या कहेंगे बच्चों, लघु वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड कहेंगे, वृत्तखंड कहते हैं, समझा। अभी इस वृत्तखंड का नाम देना है, समझ में आया, मेरे पास क्या एक्स है, तो मैं क्या वृत्तखंड का नाम दूंगा, तो इस तरह से हो जाएगा लघु वृत्तखंड, लघु वृत्त खंड ए एक्स बी, इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। अब कौन सा वृत्तखंड बचा, ऊपर वाले क्या बोलेंगे लोग, दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। तो मैं यहां पर बता दूं दीर्घ वृत्तखंड किसे कहेंगे, दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है। तो जो अपनी परिभाषा लिखी है थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा बस, ठीक है। चलो, क्या हो जाएगा, वृत्त की जीवा तथा वृत्त की जीवा तथा दीर्घ चाप द्वारा, दीर्घ चाप द्वारा सीमित किए गए भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते। क्या कहते हैं बच्चों, दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है। अब दीर्घ वृत्तखंड का नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, तो हम क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड क्या है बच्चों, ए वाई बी, क्या नाम देंगे उसको, ए वाई बी नाम दे देंगे, इस तरह से, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं हम लोग
अर्धवृत्त खंड, क्या पढ़ लेंगे अर्धवृत्त खंड। देखिए क्या होता है अर्धवृत्त खंड, यहां पर देखेंगे बच्चों अर्ध वृत्त खंड, तो अर्धवृत्त खंड जो है जीवा द्वारा नहीं बनता, वो किसके द्वारा बनता है व्यास द्वारा बनता है। तुम लोग क्या बोलेंगे ध्यान देंगे, वृत्त की व्यास द्वारा, वृत्त की व्यास और उसकी उसकी संगत संगत चाप द्वारा, चाप द्वारा सीमित किए गए, सीमित किए गए भाग को, भाग को क्या कहते हैं अर्धवृत्त खंड कहते हैं, अर्ध वृत्त खंड कहते हैं। ठीक है, यहां पर अर्धवृत्त खंड का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे यहां पर अगर मैं यहां पर ए नाम दे दूं और यहां पर बी नाम दे दूं कट करके, तो क्या हो जाएगा ए वाई बी हो जाएगा, समझे। यहां पर आप लिख सकते हो अर्धवृत्त खंड ए वाई बी, समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि वृत्त खंड होता क्या है। तो जीवा और उसकी संगत चाप, जो भी जीवा रहेगी, जीवा और उसकी संगत चाप द्वारा वृत्त को जो खंड किया जाएगा, जो टुकड़ा किया जाएगा, जीवा और उसकी संगत चाप द्वारा जो वृत्त का टुकड़ा किया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, वृत्त खंड कहेंगे, बराबर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं मिटा लेता हूं और मैं आपको बताता हूं कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला जो है वो किस तरह से आता है। तो बच्चों अभी हमको क्या देखना है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ अ सेगमेंट। हमको ये जो सेगमेंट है पी एक्स क्यू, ठीक है, ये जो वृत्त खंड है पी एक्स क्यू, इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा, मतलब कितना जगह लेगा, कितना आकार घेरेगा उसके पूरे वृत्त में से, इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा, ये निकालने का मैं आपको सूत्र बताऊंगा किस तरह से निकाला जाता है। तो सूत्र तो आप याद कर सकते हो, लेकिन वो सूत्र आया कैसे वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम कैसे किस तरह ज्ञात करेंगे। तो अगर मैं यहां से एक त्रिज्या खींच लूं, यहां से भी त्रिज्या और यहां से भी त्रिज्या, तो आपको दिखेगा कि भाई ये जो ओ ओ पी एक्स क्यू, ये क्या है बच्चों, ये द्वैत्रिज्य। इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने देखी है, द्वैत्रिज्य के ऊपर मैंने बनाया हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा कि भाई ये जो ओ पी एक्स क्यू है ये द्वैत्रिज्य, और ओ पी क्यू है जो त्रिभुज, ओ पी क्यू ये क्या है बच्चों, त्रिभुज है, ठीक है, ये क्या है त्रिभुज है। अगर मैं ध्यान सुनना, अगर मैं इस द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं, द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल में से पूरा क्या है द्वैत्रिज्य, ओ पी एक्स क्यू ये क्या पड़ा द्वैत्रिज्य, द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल में से मैं अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं तो मुझे इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। मेरी बात समझी होगी आपको, द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या करो घटा दो आपको आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल का फॉर्मूला मुझे मालूम है, क्या मालूम है जो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन मुझे इस त्रिभुज के क्षेत्रफल नहीं मालूम है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल मालूम है क्या बच्चों, नहीं मालूम है। अब देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए, अगर मुझे इस त्रिभुज के क्षेत्रफल चाहिए तो ये बच्चों क्या है, ये आपकी त्रिज्या है, ये भी आपकी क्या है त्रिज्या है, ठीक है। अगर मैं यहां से एक लंब गिरा दूं तो यहां पर 90 अंश का कोण बन जाएगा, और यहां पर नाम दे दीजिए आप लोग टी, ठीक है, नाम क्या दे दिया आपने, टी नाम दे दिया, और वहां पर बनने वाला जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज रहेगा, मतलब पी टी ओ और पी टी क्यू ये दोनों क्या समकोण त्रिभुज है, बराबर। चलिए तो ध्यान देंगे, और यहां पर मान लेते हैं यहां पर मेरा थीटा है, यहां पर क्या है थीटा, चलिए जो थीटा माने केंद्रीय कोण है, जाहिर सी बात आप सबको मालूम होगा, इसके पहले वीडियो मैंने सारी चीज बता के रखा हूं, वहां थीटा का मान है, ठीक है। अब मुझे अगर इस त्रिभुज से क्षेत्रफल चाहिए, किसका पी टी ओ, मैं त्रिभुज कौन सा लूंगा बच्चों, पी टी ओ त्रिभुज लूंगा। अगर मैं त्रिभुज पी टी ओ त्रिभुज लेता हूं तो उसका क्षेत्रफल किस तरह से निकलेगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार क्या है बच्चों, तो आधार मेरा है ओ क्यू, ओ क्यू मेरा क्या आधार है, ठीक है। इस त्रिभुज को इस तरह देखोगे आप लोग तो यहां पर क्यू है, यहां पर ओ है, यहां पर टी है, और यहां पर पी है,
OQ क्या मेरा आधार है, 1/2 OQ, और ऊंचाई क्या बच्चों मेरी, PT क्या ऊंचाई है, PT क्या है ऊंचाई है, ध्यान दीजिए 1/2 OQ का मान क्या है बच्चों, OQ मेरी क्या त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब यहां पर आ जाएगा आर। मुझे PT मालूम है क्या, PT PT बच्चों मुझे नहीं मालूम है, मुझे सबसे पहले ये PT निकालना पड़ेगा, समझ में आ रहा है बच्चों, ये मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, PT निकालना पड़ेगा, मैं PT निकालूंगा तभी मेरा आंसर आएगा, ठीक है। अगर मुझे PT का मान आ जाएगा, PT यहां पर दूंगा, ये क्षेत्रफल आ जाएगा, यार क्षेत्रफल मालूम है, इसमें से इसको क्या करूंगा घटा दूंगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए तो हम लोग क्या, मैं क्या बोल रहा हूं, वृत्तखंड का नाम क्या बच्चों, PXQ का क्षेत्रफल, अगर मुझे वृत्तखंड PXQ का क्षेत्रफल चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो द्वैत्रिज्य है, द्वैत्रिज्य इसको मिटा देता हूं, द्वैत्रिज्य क्या नाम है, OPXQ का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर याद है, सही है। चलिए सो मुझे द्वय त्रिज्य का क्षेत्रफल मालूम है तो मैं यहां पर लिख देता हूं द्वय त्रिज्य, क्या नाम द्वय त्रिज्य का, OPXQ का क्षेत्रफल क्या है बच्चों, द्वय त्रिज्य के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सबको मालूम है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए सो अभी मुझे किसका मान निकालना है, PT का मान निकालना है, ठीक है। सो मैं त्रिभुज क्षेत्रफल तो लगा नहीं सकता क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल मुझे मालूम नहीं है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले मुझे PT का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो मैं सबसे पहले PT का मान ज्ञात करता हूं बच्चों, कैसे ज्ञात करूंगा वो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज PTO में, त्रिभुज PTO में क्या, PTO में अगर आप कोण देख रहे होंगे, PTO ये आपका 90° कोण है, मतलब समकोण त्रिभुज हो गया, इसलिए क्या हो गया, यह समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, मेरी बातें समझ में आ रही है बच्चों आपको। चलिए अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, अगर मुझे PT का मान मालूम है, PT कैसे निकले बच्चों, PT जो है थीटा के सामने वाली भुजा है, PT जो है वो थीटा के सामने भुजा, और मेरा एक भुजा का मान दिया है आर ओ, तो सामने वाली भुजा और ये क्या है बच्चों, ओ पीओ क्या है, कर्ण है, पीओ क्या है, कर्ण है, क्योंकि वो 90° के सामने है, 90° के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है, यहां पर कर्ण का मान दिया है आर क्योंकि वो त्रिज्या है, और मुझे PT के थीटा के सामने, तो सम्मुख भुजा और कर्ण ये किसका संबंध है, त्रिकोणमिति अगर याद होगा पाठ तो उसके अंदर मैंने बताया है कि सम्मुख भुजा और कर्ण का संबंध साइन थीटा होता है, तो मैं लगा देता हूं साइन थीटा बराबर सम्मुख भुजा PT बटे PO, समझा। चल PT का मान क्या है बच्चों, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन थीटा का मान भी मुझे मालूम नहीं है, साइन थीटा बराबर PT, PO का मान है आर, समझा। अब कर दीजिए तिरक गुणा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसलिए PT बराबर हो जाएगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, ठीक है, आर साइन थीटा, इसको समीकरण नंबर 1 देना, बाद में हमको मालूम पड़ेगा। चलिए अब हम लोग निकाले थे त्रिभुज PTOPQ का क्षेत्रफल, OPQ का क्षेत्रफल, यहां पर OPQ आएगा, PQO बोलो या OPQ बोलो, PQO, चलो यहां पर ध्यान दें, त्रिभुज PQO का क्षेत्रफल कैसे निकले बच्चों, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, चलिए 1/2 गुणे क्या है बच्चों, आधार क्या है OQ है, आधार OQ, ऊंचाई क्या है PT, चलिए 1/2 गुणे OQ का मान हमारे पास R और PT का मान हमारे पास R साइन थीटा, ठीक है। चलो R का गुणा R में कर दो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर साइन थीटा बटे 2, ये किसका मान आ गया, ये आ गया आपको त्रिभुज PQO का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। चलिए
तो हमको पहला देख लो, दूसरा देख लो, अब हम लोग करेंगे आगे सवाल। तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं और आपको करके बताता हूं। वृत्तखंड पी एक्स क्यू का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बच्चों? ये द्वैत द्वैत त्रिज्य के क्षेत्रफल में से, द्वैत त्रिज्य के क्षेत्रफल में से ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे आपको घटा देंगे। तो मैं लिखूंगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2। समझा? चलिए अब क्या क्या कॉमन है बच्चों, कॉमन ले लीजिए। यहां पर आर स्क्वायर है, यहां पर भी आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर यहां पर भी आर स्क्वायर यहां पर, तो मैं आर स्क्वायर बाहर लेता हूं और मेरा ब्रैकेट में बचेगा पाई थीटा, या थीटा पाई बोलो, पाई थीटा बोलो, पाई थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर तो आपने बाहर लिख ही लिया है, तो साइन थीटा बटे 2। समझा? सो ये हमारा क्या होगा, वृत्तखंड पी एक्स क्यू का क्षेत्रफल होगा। तो ये क्या होगा, फॉर्मूला होगा किसका, वृत्तखंड का फॉर्मूला होगा। कोई भी वृत्तखंड रहने दो, आप इस तरह से फॉर्मूला ज्ञात, इस तरह से फॉर्मूला उपयोग रखो, फॉर्मूला लगा और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो, अब अगर हमारे पास डायग्राम ऐसा है तो यहां से त्रिभुज रहेगा, यहां पर रहेगा, ये क्या रहेगा आपका वृत्तखंड रहेगा। आपका डायग्राम ऐसा है और यहां से केंद्र है, तो ये क्या रहेगा आपका वृत्तखंड रहेगा। तो आपको समझ में आ गया है, तो इस फॉर्मूले का उपयोग करके आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। और आपको मैंने बताया भी कि ये जो सूत्र है, ये सूत्र बना कैसे, तो ये सूत्र बना है द्वैत त्रिज्य के क्षेत्रफल में से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, और हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आ गया है। अब हम लोग समझा होगा, तो उम्मीद है आपको ये पूरा वीडियो समझा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7.4 के साथ। इसी वीडियो का उपयोग करके हम लोग 7.4 का हल करेंगे।